के कॉमर्स क्लासेस मैं हूं तबीता और गाइस आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करेंगे कि वो कितने हमारे देश में सक्सेसफुली लागू हुए या नहीं हुए तो सबसे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू वीडियोस और अगर पहले के हो और पहले से वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है जल्दी से करो और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है तबिता मेसी सोचे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लेके आई थी जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं वेज एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गरीबी को दूर करने के लिए राइट अब वो कितने सक्सेसफुल हुए वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो सबसे पहले तो गाइस मैं ये प्रोग्राम से आगे बढ़ने से पहले मतलब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी हम उसमें बहुत जल्दी कमी निकालेंगे ठीक है लेकिन इस गरीबी जो कि आप रोड पर निकलते हो मॉल जाते हो शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी कुछ भी खरीदने आपको गरीब लोग नज़र आ जाते हैं जो रोड साइड्स रह रहे हैं ये सब हम अभी बात जो करेंगे वो सरकार की करेंगे कि सरकार की कहाँ नाकामी रही लेकिन कहीं ना कहीं एक बार मैं ये भी कहूंगी इस वीडियो के ऊपर कि लोगों की भी बड़ी गलती है कि जो लोग रोड साइड्स पर रह रहे हैं और इसके बावजूद वो एक जो भी पेरेंट्स होते हैं वो चार चार पांच पांच बच्चे करते हैं और फिर वही छोटे बच्चे लेके वो धूप में घूमते हैं और उनके

कि उनको पता होता है कि वो गरीबी में घिरे हुए हैं उनके पास खाने को नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आने वाली जनरेशन को भी गरीबी में रखते हैं तो इसमें लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है जिसे हमें दूर करना चाहिए जो लोग ऐसे होते हैं हम उन्हें हाथ पर ज़रूर हेल्प कर देते हैं पैसे रख देते हैं बट हमें उनको ये कहना चाहिए कि काम करो भाई अपने बच्चों को खिलाओ और काम करो ताकि आपको एहसास हो कि बच्चों के लिए कमा के खिलाना कितना ज़रूरी है अब गाइज इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी गाइज कि गरीबी के लिए जो भी गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स लेके आई थी वो पूरे देश में सही तरीके से लागू नहीं हुई तभी तो हमें हर जगह गरीबी नज़र आ रही है माना देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है कुछ टाइम में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे लेकिन सरकार के पास बहुत सारी नीतियां थी इनको ठीक करने के लिए तो क्यों वो प्रॉपर नहीं हो पाई अभी भी इतनी गरीबी हमारे देश में हमें क्यों नज़र आती है जब हमें हम उसे दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते तो अपने ही देश को गरीब पाते हैं ऐसा क्यों है तो सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ रिसोर्स लैक ऑफ रिसोर्सिस का क्या मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी अब चाहे वो पैसा कह लो या कोई और सामान कह लो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उस गरीबी को सब तक मिटाने में कामयाब हो सकें रिसोर्सेज हमारे पास चाहे वो ह्यूमन uh, या बैंक कह लो रोड कह लो इलेक्ट्रिसिटी कह लो मतलब काफी सारी चीज़ों की हमारे पास रिसोर्सेज में खाने की हर एक चीजों की कमी थी कि हम अपनी योजनाओं को सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए दूसरी चीज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट यानी कि जो एसेट हमारे पास थे चाहे वो लैंड जमीन कह लो चीज़ें कह लो पैसा कह लो उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ बहुत सारे नॉन पुअर फैमिलीज़ ने इनका बेनिफिट उठाया और गरीब लोगों ने इसका बेनिफिट नहीं उठाया आप अगर बात करो गाइस गवर्नमेंट की तरफ से एक वो होता है कि आप प्राइवेट स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ सकता है उसको आपको अगर पता हो तो एक कैटेगरी के, के अंदर हम लोग एडमिशन करा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट खर्चा उठाती है उसकी फीस वगैरह का लेकिन गरीबों का एक्चुअल में बच्चा वहां तक नहीं जाता मिडिल क्लास फैमिली जो है उनको जिनको नॉलेज है इस चीज़ की वो अपना एडमिशन उसमें अपने बच्चे का करा देते हैं ठीक है तो दैट इज कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट क्योंकि जिनके लिए वो एक्चुअल में स्कीम आई थी वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं थर्ड इम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगेन गवर्नमेंट ने जो स्कीम लेके आई चीज़ों की कमी थी ये था इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रॉपर कैसे था भाई क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश में करप्शन करप्शन इतना ज़्यादा है कि अपने अपनों को बस हम चीज़ें डिवाइड कर देते हैं गरीबी को दूर करने के लिए अगर राशन आ रहा है तो अपने घरों तक पहुंच रहा है गरीबी को दूर करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट कोई हेल्प दे रही है तो वो सिर्फ अपने लोगों तक ही पहुंच पाती है अगर आप बहुत जगहों पर जाओगे तो जो वहां का मुखिया होता है वो सिर्फ अपने घर या अपने आस पड़ोस तक ही बेनिफिट्स को पहुंचाता है सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि उनके ऊपर जो देखने वाला बंदा बैठा है वो भी नहीं देख रहा ये कहते हैं इम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जिसमें करप्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसके बाद आता है गाइज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जो आज भी हम लोग कबूलते हैं दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी है लेकिन जैसे ही हम कहीं बाहर निकलते हैं किसी और जगह जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जगह पर बहुत कमी है चाहे वो रोड कह लो इलेक्ट्रिसिटी कह लो आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे गांव है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है आज के समय में 2021 में हम लोग रह रहे हैं तभी भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सी जगह पर नहीं है पानी फैसिलिटी नहीं है दूर दूर पाँच पाँच किलोमीटर दूर जाके लोग पानी भर के लेके आते हैं दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक नहीं है इतने कि अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प लोगों तक पहुंचानी है तो बैंक तो होना चाहिए वो तक नहीं है तो ये भी एक कमी थी कि ये जो गरीबी दूर करने के लिए आप कोई भी योजना ले आए जनधन योजना लेके आए बहुत सारी लेके आए लेकिन बैंक होने वहां जरूरी पहले थे लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल लोग जिनके लिए एक्चुअल में ये योजनाएं आई अतः पता ही नहीं है अपनी दुनिया में खो रखे हैं क्यों क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि उनके लिए आ रहे पढ़े लिखे नहीं हैं गरीबी में पढ़ाई लिखाई कर लो तो गरीबी को दूर किया जा सकता है लेकिन अगर आप गरीब होकर कुछ नहीं पढ़ रहे तो फिर गरीबी में ही रहोगे तो अगर जो लोग गरीब थे उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता था और ना ही इतना ज़्यादा उनके पास कोई फैसिलिटी थी कि कोई उन्हें जागरूक कर सके कि आप लोगों के लिए स्कीम आ रही है भाई इसका बेनिफिट उठाओ तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो गरीब लोग हैं उनके हक क्या क्या है उनको पता ही नहीं है तो उनका पार्टिसिपेशन भी ज़ीरो है जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट के जो इतनी स्कीम्स प्रोग्राम्स आते हैं उनका उनको अता पता ही नहीं होता जो गवर्नमेंट उनके लिए जो बेनिफिट्स लेके आ रही है उन तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि उन्हें ही नहीं पता है तो गाइस ये बहुत मेन रीजंस हैं कि जो गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आए थे वो क्यों लागू नहीं हो पाए थे आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे और ज़रूर कमेंट में अपनी आ, कहते हैं ना राय ज़रूर देना कि हम अपने देश की गरीबी को किस तरीके से दूर कर हैं ताकि हर एक जन एटलीस्ट खाना रहना और एक अच्छा जीवन बिता सके क्योंकि एक ही जिंदगी एक ही लाइफ है अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना गाइस थैंक यू